हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेस्टियल रूही। तो आज मैं यहाँ पे मम्मी के साथ किचन में खड़ी हुई हूँ और मम्मी बना रही है मलाई कोफ्ता। तो अभी इन्होंने तैयारी शुरू करी है, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेड क्रम्स को पीसा है और अभी कुछ इसमें भी है, वो भी पीस रही हैं। और फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ काजू लिए हैं, कुछ किशमिश है और यहाँ पे ये फ्रेश मलाई है। इसमें से 2-3 चम्मच जो भी लगेगी वो यूज़ करेंगे हम। फिर इसका भी, इसकी जैसे जैसे ये मम्मी बनाएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे अदरक भी लिए है मम्मी ने और हरी मिर्च भी ली है। तो ये बेसिकली नॉर्मल जो ब्रेड होती है, सूखी ब्रेड नहीं है, नॉर्मल ब्रेड है, इसको मम्मी ने पीस लिया है। तो आप जैसे जैसे मम्मी शुरू करेंगी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। मैं सोचा कि चलो अब ये बना रही है तो एटलीस्ट मैं सीख लेती हूँ कि कैसे बनाना है, तो मैंने इसलिए वीडियो आज मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 6-7 आलू मम्मी ने ले लिए और यहाँ पे 10 ब्रेड है। 6 जनों के लिए ये जो है बन रहा है, क्या बन रहा है, मलाई कोफ्ता। तो उसके लिए आपको 10 पीस यूज करने, अगर आप 6 जनों के लिए बना रहे हो और साथ में 6-7 आपके ये आलू होंगे। तो अब ये इसके अंदर जो ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स के अंदर मम्मी ये आलू जो गरम गरम है ये कद्दूकस कर रही है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी बाकी चीजें, ये क्या चीज़ है मम्मी, मलाई। ये मलाई रखी हुई है, ये क्रीम है, ये मलाई से बनाई हुई इन्होंने क्रीम है। और यहाँ पे काजू और यहाँ पे किशमिश है। तो ये अब ये इनकी तैयारी चल रही है और ये यहाँ पे ये हो जाएगा। और फिर एक तरफ यहाँ पे इन्होंने ये काट के रखा हुआ है टमाटर। तो इसको क्या करेंगी, इसको ये यहाँ पे कढ़ाई में सॉटे करेंगी अभी। और साथ में इसके कुछ ये अदरक का, मतलब 1 से 2, आई थिंक कितना होगा ये, 1-2 इंच का ही होगा अदरक है। तो इतनी अदरक है और साथ में हरी मिर्ची है, 3-4 इनको फिर ये इसमें करके सॉटे, फिर इसको मिक्सी में पीसेंगी। तो अभी मैं दिखा देती हूँ, अभी ये तैयारी चल रही है इनकी, ये कद्दूकस कर रही है। और जैसे फिर ये आगे का बढ़ता है तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि ये जो है मम्मी ने जो आलू और ब्रेड को जो गूंदा था ना नमक डाल के, अब इसका ऐसे ऐसे इन्होंने पिट्ठी सी गोल सी बना के इसके अंदर डाली मलाई और किशमिश डाली है ना। और क्या डाले, काजू भी डाला क्या? नहीं, काजू नहीं डाला ना अभी, काजू ग्रेवी में डालेगा। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे देखो इन्होंने ऐसे गोला बना लिया। ऐसा गोला क्या, कटलेट कैसे बना रही हो ऐसा? ठीक है, इस तरीके की शेप कैसे, गोल भी बना सकते हैं, गोल भी बना लो चाहे ऐसा बना लो। ये देखो सुरभि भी लग गई है यहाँ पे, देखो सुरभि ने भी अपने, ये भी अपना हाथ थोड़ा यहाँ आजमा रही है गोलों में, कह रही है मैं भी बनाऊंगी गोले। तो ये दोनों यहाँ पे गोले बना रही हैं और इस तरफ जो है कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। तो ये जो ये गोले जो बन रहे हैं ना, ये जो इसके ब्रेड के और क्रीम वगैरह जो बना रही है, फिर इसके अंदर तलेंगे उनको। ठीक है, चलो दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके की शेप के बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये अलग स्टाइल के हैं, ये वाले बना के आप जरूर ट्राई करें, ये भी अच्छे बनेंगे। क्योंकि मम्मी ने और सुरभि ने तो खाए हैं, मैंने कहा भाई बनाओ फिर मैं भी खाऊंगी ना। तो अभी मम्मी भी मैंने सीख भी लिया है मैंने कि चलो अगली बार मैं भी बना सकूंगी। तो ऐसे बन रहे हैं देखो ये, तो प्यारे प्यारे से। यहाँ पे आप दोस्तों देख लो कढ़ाई लग गई है, चढ़ा दी है मम्मी ने। और इसके अंदर ये जो कोफ्ते हैं आलू ब्रेड के, इसमें जो फिलिंग डली है और साथ में इसमें मलाई है बीच में, और साथ मलाई जो है वो थोड़ी सी सॉलिड डाली है, मतलब गीली मलाई नहीं डाली है ताकि वो एकदम अंदर गीला गीला ना हो। और फिर उसके बाद में इसमें किशमिश डाली हुई है। तो ये ऐसे करके फ्राई हो जाएंगे, फिर इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे सुरभि और भी बना रही है, ये गोले तैयार कर रही है और फिर इनको भी हम तल लेंगे। तो गाइस ये कोफ्ते जो है मलाई के, मतलब मलाई कोफ्ते तैयार हो गए। अब मम्मी इसको निकालेंगी प्लेट में यहाँ पे, फिर हम और ज्यादा और दूसरा बैच लगा देंगे इसका और फिर हम इसकी करेंगे ग्रेवी तैयार। तो आप देख लो कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं ये, और अपने आइडिया से आप देख लेना कि कितने गोल्डन करने हैं और उस हिसाब से आपने बस इसको निकाल देना प्लेट में। और यहाँ पे मम्मी इसको निकाल रही है। ये ले रही पूरे चटकारे की, मम्मी अब ज्यादा बना रहा, अब ये करना वो करना। नहीं मम्मी ग्रेवी सच में ज्यादा बनाना, हम पड़ गई थी ग्रेवी, ग्रेवी ज्यादा बनाना, पापा को नहीं दी थी हमने। मम्मी मुझे दिखा रही है कि इसमें क्या क्या डल रहा है, क्या क्या डल रहा है मम्मी इसमें, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी। हाँ ठीक है, इसमें काली मिर्ची, कुछ लौंग और यहाँ पे मम्मी के हाथ में तेज पत्ता है। तो ये जो है ये सारा जो है ना मसाला ये जाएगा इसके अंदर। तो अभी बस ये हमारे ये आखिरी का जो है ये हो रहा है, इसके बाद में फिर मम्मी इसको और ये जो टमाटर इधर पड़े हैं इनको भी फ्राई कर लेंगी सारी चीज को। और फिर ये काजू भी साथ में करोगी मम्मी, फ्राई करोगी इसको भी? चलो ठीक है, ये वो कर रही है यहाँ पे ना मम्मी, कैमरा शाई हो रही है, मम्मी कह रही है तुम मेरे को मत लेके आओ कैमरा में। ठीक है कोई बात नहीं, आएंगी बीच में आएंगी, कैमरे में भी आएंगी। तो देखो कितने अच्छे बन गए, इतने सुंदर दिख रहे हैं, मन कर रहा है टमाटर केचप के साथ खा लो इसको बस फटाफट, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मम्मी जो है वो कर रही है इसको फ्राई। तो इसमें मम्मी ने मसाला जो दिखाया था वो अब डाला है, इसको करेंगी सॉटे थोड़ा सा। और ये काजू गया इसमें, गैस कम करूँगी थोड़ी सी, हाँ ये गैस कम कर ली, अभी इसको सॉटे कर लेंगी बढ़िया तरीके से। और साथ के साथ अदरक गई, हरी मिर्ची गई
और फिर जाएगा टमाटर सारा। तो ये बेसिकली ग्रेवी जो है वो तैयार होगी। यहाँ पे प्याज जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है आप डालें, लेकिन हमें ऐसे पसंद है तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, क्योंकि प्याज से ना बहुत ज्यादा मिठास हो जाती है, तो ये इसी तरीके से हम बनाती हैं और वो अच्छी लगती है हमें। तो ये ऐसे करके सौते कर रही है, बस थोड़ा सा इसको कैरामलाइज सौते करके फिर इसको ठंडा करके फिर मिक्सी में पीसेंगी मम्मी से। यहाँ पे हमारे ये प्यार बैठे डूबने के लिए उसमें सॉस में। यहाँ पे ये देख लो मम्मी ने ये जो करा था ना सौते, इसको सबको अब डाल दिया एक जार के अंदर और इसको अब मम्मी बंद करके पीसने लगी है। तो ये यहाँ पे लग गया है और बस इसको पीस के फिर इसकी ग्रेवी बन जाएगी। हाँ कढ़ाई हो चुकी है गरम, तेल डल गया उसमें और फिर क्या जीरा डाला थोड़ा सा मम्मी ने, और अब इसमें जाएगी ये ग्रेवी। ये गई सारी की सारी ग्रेवी और मम्मी इसको भूनेंगी। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना उसकी तेज पत्ते की, कुछ बोल लो। तो ये बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने और मैंने सीख भी ली दोनों ने, मैंने ने सुरभि ने, अब हम भी बनाएंगे, बहुत अच्छी लग रही है। तो सुरभि यहाँ पराठे की तैयारी में भी लगी हुई है, पराठे बना रही है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और मम्मी फिर इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे? हल्दी मिर्ची फिर थोड़ा सा लाल वो देगी मिर्च भी डालूंगी। ठीक है चलो बना लो फिर डालूंगी। अच्छा कौन सी सॉस भी डालेंगे? थोड़ी सी टोमेटो सॉस। ठीक है हाँ अभी ये टाइम लेगा, फिर जब ये तेल छोड़ेगा ना ये अच्छे से जब भुन जाएगी फिर बाकी मसाले डालेंगी मम्मी। तो यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स आप कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार थी। और यहाँ पे मम्मी ने क्या किया कि जो ये जो तैयार थे ना मलाई कोफ्ते, इसके ऊपर मम्मी ने ये ग्रेवी डाली। अच्छा आपने मेक श्योर करना है कि ये जो ग्रेवी है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ग्रेवी यूज़ करेंगे तो आपके जो कोफ्ते हैं ना ये जो मलाई कोफ्ते हैं ये हो जाएंगे सौगी। तो आपने मेक श्योर करना है ग्रेवी थोड़ी मीडियम गर्म हो और फिर आप उसको अपने कोफ्तों के ऊपर डालिएगा और उसको डाल के फिर आप उसको खाइएगा। और आप मुझे बताना कैसी आपको ये रेसिपी लगी, मम्मी ने मुझे नई रेसिपी सिखा दी है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आप भी ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल में। लॉट्स ऑफ लव सेलेस्टियल रूही, बाय।